अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सीएसएस पास्ट पेपर 2016 को। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें यह है कि व्हाट इज द रोल ऑफ लाइव स्टॉक इन नेशनल इकोनॉमी एंड हाउ द गवर्नमेंट पॉलिसीज हैव ओवर द इयर्स प्रमोटेड दिस सेक्टर, व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, इशूज एंड चैलेंजेस। ठीक है, और इसमें लाइव स्टॉक का रोल हम देखते हैं नेशनल इकोनॉमी के अंदर। तो सबसे पहले इसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो देखते हैं। तो लाइव स्टॉक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी के लिए। ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी को इंक्रीज करने में जो है हेल्प करते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों को ये जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह से रूरल्स पीपल्स हैं स्पेशली स्मॉल फार्मर्स या ऐसे फार्मर्स जो कि जिनके पास लैंड नहीं होती, तो वो मुकम्मल तौर पर जो है लाइव स्टॉक के ऊपर अपने इनकम के लिए डिपेंड करते हैं। तो जो एग्रीकल्चर स्पोर्ट है इसके अंदर नेक्स्ट हम देखते हैं लाइव स्टॉक का जो रोल है एग्रीकल्चर स्पोर्ट के अंदर, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि जो लाइव स्टॉक हैं ये हेल्प करते हैं सस्टेनेबल और जो प्रोडक्टिविटी है लैंड की उसको इंक्रीज करने में, बिकॉज दे प्रोवाइड पावर फॉर प्लोविंग, मैन्यूर फॉर क्रॉप्स एंड यूजिंग लेफ्ट ओवर क्रॉप स्टार्ट्स। ठीक है, जो कि फार्म्स को ज़्यादा प्रोडक्टेबल और सस्टेनेबल बनाता है। और नेक्स्ट इसका रोल है फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन के अंदर। तो लाइव स्टॉक जो है वो हाई क्वालिटी की प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि मिल्क है, मीट है और एग प्रोवाइड करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है फूड सिक्योरिटी के लिए, गुड न्यूट्रिशन के लिए। तो डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट हैं फाइटिंग मेल न्यूट्रिशन इन स्पेशली डिवेलपिंग एरियाज। इन अदर इज एक्सपोर्ट अर्निंग। तो लाइव स्टॉक जो है और इसके प्रोडक्ट्स वो एक बिग पार्ट है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स का, बिकॉज दे ब्रिंग फॉरेन मनी and these include animals like meat, dairy products, wool and leather, and these are things are popular in global markets. और next जो अगर हम इसका role देखें socio economic stability के अंदर, तो livestock जो है वो rural families को steady income provide करते हैं और उनके लिए ये एक asset के तौर पर act करते हैं, because वो save कर सकते हैं इन अपने इन एनिमल्स को इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर, और इस तरह से उनके इकोनॉमिक सिचुएशंस को स्टेबलाइज करने में ये लाइव स्टॉक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हम गवर्नमेंट पॉलिसीज देखें कि किस तरह से इस सेक्टर को गवर्नमेंट की पॉलिसीज प्रमोट कर रही हैं। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर हम देखते हैं तो इसमें जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने बहुत सी पॉलिसीज बनाई हैं ताकि लाइव स्टॉक सेक्टर को इम्प्रूव किया जा सके, और उन्होंने जो है वेटरनरी सर्विसेज को सेटअप किया, इस तरह एनिमल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए वैक्सीनेशन के जरिए इस तरह की पॉलिसीज इंप्लीमेंट की हैं, और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करने के लिए, एनिमल हस्बेंड्री को डेवलपमेंट करने के लिए पॉलिसीज बनाई गई हैं। इस तरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, तो रिसर्च के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है उसने फोकस किया है इम्प्रूव करने में जेनेटिक्स को, फीडिंग प्रैक्टिसेस को, और इसके अलावा डिजीज कंट्रोल करने के लिए इस तरह स्पेशल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी सेटअप किए गए हैं लाइव स्टॉक की रिसर्च के लिए। तो नेक्स्ट हम अगर हम इसके देखें मार्केट एक्सेस एंड एक्सपोर्ट प्रमोशंस को, तो जो है तो पॉलिसीज जो है वो इम्प्रूव कर इन पॉलिसीज ने इम्प्रूव किया है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस करके, बिकॉज दीज इंक्लूड ट्रेड एग्रीमेंट्स, मीटिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड प्रोवाइडिंग एक्सपोर्ट इंसेंटिव। इस तरह फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स लाइक जिस तरह न्यू टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं ब्रीडिंग के अंदर, फीडिंग के अंदर, इस तरह से हेल्थ केयर के अंदर उसने प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया है। इनोवेशन जिस तरह से प्रिसीजन फार्मिंग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, एडवांस डिजीज डायग्नोस्टिक है, तो ये भी जो है इस सेक्टर को इम्प्रूव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रैक्टिसेस देखें तो इट्स इंपॉर्टेंट टू डेवलप एंड प्रमोट लाइव स्टॉक प्रैक्टिसेस दैट कैन विदस्टैंड क्लाइमेट चेंज, दिस इंक्लूड जो है वो ब्रीडिंग हीट टॉलरेंट एनिमल्स, इस तरह से जो एनिमल्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि ब्रीडिंग हीट टॉलरेंट होते हैं, इस तरह से उनके अंदर वाटर और फीडिंग की जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव किया जाता है। नेक्स्ट हम इसके सब्सिडीज एंड फाइनेंशियल अगर हम सपोर्ट को देखते हैं तो ये जो है अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि गवर्नमेंट्स जो प्रोवाइड करते हैं सब्सिडीज फीडिंग के लिए, मेडिसिन के लिए और वेटरनरी सर्विसेज के लिए, और इस तरह से लो इंटरेस्ट लोन्स भी ऑफर किए जाते हैं लाइव स्टॉक फार्मर्स को, और इसके अलावा इंश्योरेंस स्कीम्स भी जो है प्रोवाइड किए जाते हैं फार्मर्स को डिफरेंट रिस्क से बचाने के लिए। एक्सटेंशन सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज एजुकेट एंड ट्रेन फार्मर्स ऑन द बेस्ट प्रैक्टिसेज इन लाइव स्टॉक मैनेजमेंट,
बिकॉज दे एम टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर हम देखते हैं तो डेवलपमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की, लाइक कलेक्शन सेंटर्स, मिल्क कलेक्शन सेंटर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, कोल्ड स्टोरेज, इसके अलावा मीट प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स है जो कि प्रायोरिटी है टू एनहेंस करने के लिए लाइफ स्टॉक सेक्टर वैल्यू चेन। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं वैल्यू एडिशन। तो यहाँ पर अलॉट पोटेंशियल है इंक्रीज करने के लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स की वैल्यू को, बिकॉज प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग के प्रोसेस यहाँ पर हैं, इनके जरिए इनको इनकी वैल्यू को जो है वो इंक्रीज किया जा सकता है। इस तरह से ये हेल्प करते हैं फार्मर्स की बेटर प्राइसेस ऑब्टेन करने में। इस तरह सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पर फोकस करके, लाइक इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, ऑर्गेनिक लाइफ स्टॉक फार्मिंग है, वेस्ट मैनेजमेंट है, जो कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स रखते हैं। और नेक्स्ट हम इश्यूज एंड चैलेंजेस को देखें और डिजीज मैनेजमेंट इसमें सबसे पहले आता है। तो फ्रीक्वेंट डिजीज आउटब्रेक्स यहाँ पर जो है वो मेजर प्रॉब्लम है, जो इफेक्टिव डिजीज मॉनिटरिंग है और इन डिजीज को कंट्रोल करना और इनसे जो है प्रिवेंटेशन वो ज़्यादा नेसेसरी है। और नेक्स्ट हम जो है क्लाइमेट चेंज को देखते हैं। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो लाइफ स्टॉक के ऊपर इफेक्ट करते हैं, ठीक है, और बिकॉज ये हीट स्ट्रेस के जरिए एनिमल्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं और वाटर को रिड्यूस कर देते हैं। क्लाइमेट चेंज वाटर की, क्लाइमेट चेंज की वजह से वाटर रिड्यूस हो जाता है, इस तरह से फीड क्वालिटी भी रिड्यूस हो जाती है। और इस तरह से डेवलपिंग स्ट्रेटजीज होनी चाहिए जो कि अडॉप्ट करनी चाहिए चेंजेस से निपटने के लिए। इस तरह से रिसोर्स कॉन्स्टेंट्स है, तो लिमिटेड एक्सेस जो है टू क्वालिटी फीड एंड वाटर स्पेशली इन ड्राई एरियाज, तो ये लाइफ स्टॉक की जो प्रोडक्टिविटी उसको रोक देती है। और इफिशियंट जो रिसोर्स मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। नेक्स्ट हम इसकी मार्केट एक्सेस एंड फेयर प्राइसिंग को डिस्कस करते हैं। तो फार्मर्स जो है वो स्ट्रगल करते हैं एक्सेस करने के लिए मार्केट्स तक और फेयर प्राइसेस हासिल करने के लिए। इस तरह उनकी मार्केट की कनेक्शंस को इम्प्रूव करके और उनकी फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को जो है वो इंश्योर किया जा सकता है। नेक्स्ट हम इसका इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स देखते हैं। तो जो इनएडिक्वेट यानी कि प्रॉपर स्टोरेज की कमी है या प्रोसेसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये लिमिटेड ग्रोथ की वजह बनते हैं। और इन्वेस्टमेंट जो है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन देखें तो जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं उनको, इनकी इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है और उनको मॉनिटर करना ताकि रियल इम्पैक्ट को जो है वो मॉनिटर करना, उनको रियल उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको जो है ताकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन को जो है ज़रूरी यकीनी बनाया जा सके, इनकी इम्प्लीमेंटेशन को, इनकी पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन को। और लाइफ स्टॉक जो है वो सेक्टर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ग्रेट पोटेंशियल रखता है बूस्ट करने के लिए इकोनमी को, इस तरह से रूरल लाइफ्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो इन करंट चैलेंजेस से एड्रेस करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है और जो है पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांसमेंट को सपोर्ट किया जाना चाहिए ताकि जो है इस सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ द काज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ सीरियल क्रॉप्स इन पाकिस्तान एंड हाउ अगेन प्रोडक्शन कुड बी मेड सस्टेनेबल डिस्पाइट फॉलिंग इन इंटरनेशनल प्राइसेस, ठीक है। तो हम देखते हैं कि लो प्रोडक्टिविटी की काजेज क्या है सीरियल क्रॉप्स की पाकिस्तान के अंदर। और तो सबसे पहले इसमें जो है वो इनएफिशिएंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस आते हैं। तो मेनी फार्मर्स जो पाकिस्तान के अंदर हैं वो ओल्ड और इनएफिशिएंट फार्मिंग मेथड्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्टिविटी में कमी आती है, बिकॉज दे हैव डोंट एक्सेस टू मॉडर्न टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। और दूसरी जो इसकी वजह है पुअर क्वालिटी सीड्स है, तो लो क्वालिटी की सीड्स यूज़ किए जाते हैं जो कि जो है वो वेल ग्रो नहीं कर सकते या उनके अंदर ऐसी रेजिस्टेंस नहीं होती ताकि डिजीज को वो जो है वो उनको रेजिस्ट कर सकें। और इस तरह लोअर क्रॉप प्रोडक्टिविटी वो जो है प्रोवाइड करते हैं। इस तरह हाई यील्ड और डिजीज रेजिस्टेंस सीड्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं होते उन तक, और उनको यानी कि उन तक वो जो है वो आसानी से नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से वो पुअर क्वालिटी सीड्स को फार्मर यूज़ करते हैं। और इनएडिक्वेट वाटर मैनेजमेंट भी बहुत बड़ी वजह है इसकी लोअर प्रोडक्टिविटी रेट की। वाटर स्कार्सिटी और इनएफिशिएंट इरीगेशन मेथड्स जो हैं वो प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं। ट्रेडिशनल फ्लड इरीगेशन वेस्ट वाटर है, मेनी एरियाज सफर फ्रॉम सीवियर वाटर शॉर्टेजेस। इसी तरह सॉइल एरिया सॉइल डिग्रेडेशन है, तो कंटिन्यूस प्लांटिंग जो है सेम क्रॉप्स की, लाइक पुअर क्रॉप रोटेशन है और एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, इस तरह के जो इकदाम हैं ये सॉइल को डिग्रेड कर देते हैं, उसकी रिड्यूस कर देते हैं उसकी फर्टिलिटी को और क्रॉप्स की यील्डिंग को।
नेक्स्ट पेस्ट और डिजीज है, तो फ्रीक्वेंट पेस्ट अटैक और क्रॉप डिजीजेस जो है हार्मफुल होते हैं सीरियल क्रॉप्स के लिए। फार्मर्स जो है वो ज्यादातर उनके अंदर रिसोर्सेज उनके पास नहीं होता, उनके पास नॉलेज नहीं होता इन प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली ताकि वो मैनेज कर सकें, तो ये जो है वजह बनते हैं प्रोडक्टिविटी के लॉस में। इस तरह लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम देखते हैं, तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्टोरेज की ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, मार्केटिंग नीड्स टू ग्रेन लॉसेज आफ्टर हार्वेस्ट एंड इट आल्सो लिमिट फार्मर्स मार्केट एक्सेस इफेक्टिंग देयर इनकम एंड एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन बेटर प्रैक्टिसेस। इसके अलावा और वजह हो सकती है लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट। स्मॉल फार्मर्स जो है वो स्ट्रगल करते हैं लोन्स हासिल करने के लिए ताकि क्वालिटी सीड्स फर्टिलाइजर्स और मशीनरी को वो खरीद सकें, तो ये जो फाइनेंशियल लिमिटेशंस है ये स्टॉप कर देती है उनको जो है फार्मिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने में। इस तरह जो क्लाइमेटिक चैलेंजेस हैं, एक्सट्रीम वेदर है इंक्लूडिंग ड्रॉट्स हैं, फ्लड्स हैं, इसके अलावा अनप्रिडिक्टेबल रेन है नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं सीरियल क्रॉप्स के ऊपर। सो क्लाइमेट चेंज जो है वो इज मेकिंग दीज कंडीशंस वर्स एंड मेकिंग फार्मिंग मोर चैलेंजिंग। नेक्स्ट हम मार्केटिंग मेकिंग ग्रेन प्रोडक्ट्स सस्टेनेबल डिस्पेट फॉलिंग इंटरनेशनल प्राइसेस देखते हैं, तो अडॉप्टेशन ऑफ मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को यूज करते हुए लाइक प्रिसाइजन फार्मिंग है वो इम्प्रूव कर सकती है प्रोडक्टिविटी को। सो दिस इंक्लूड्स मॉडर्न मशीनरी, बेटर इरीगेशन मेथड्स एंड यूजिंग ड्रोन्स, सेंसर्स फॉर मॉनिटरिंग क्रॉप्स। तो इस तरह से की टेक्निक्स को यूज करके इस तरह की जो ग्रेन की प्रोडक्शन को सस्टेनेबल किया जा सकता है, इसकी जो है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है। और इस तरह इम्प्रूव्ड सीड वराइटीज जो है यूज किए जाने चाहिए, डेवलपिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग हाई यील्ड डिजीज रेजिस्टेंट एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स इंक्रीज कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी को। इस तरह कोलैबोरेशन जो है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के दरमियान वो बहुत ज्यादा नेसेसरी है सीड की रिसर्च के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इस एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट को यूज करते हुए लाइक ड्रिप एंड स्प्रिंकलिंग इरीगेशन प्रैक्टिसेस जो है वो वाटर को सेव कर सकते हैं और इसके बेहतर इस्तेमाल को यकीनी बना सकते हैं। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग और बिल्डिंग स्मॉल डैम्स ये जो है हेल्प कर सकते हैं वाटर की स्कार्सिटी को एड्रेस करने में। सोयल हेल्थ मैनेजमेंट को अगर हम देखें तो प्रैक्टिसेस जिस तरह से क्रॉप रोटेशन है और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल है, इस तरह इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, ये सोयल हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस तरह गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं इस तरह की प्रैक्टिसेस के लिए। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन और वैल्यू एडिशन। तो फार्मर्स को एक इंकरेजिंग नेसेसरी है ताकि डिफरेंट क्रॉप्स वो ग्रो करें और एंड एड वैल्यू टू देयर प्रोडक्ट्स कैन रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन सीरियल्स एंड इंक्रीज इनकम। तो प्रोसेसिंग ग्रेन्स जो है वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स के अंदर इन्हेंस कर सकती है प्रॉफिटेबिलिटी को। इस तरह क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की को प्रमोट करना, इस तरह की प्रैक्टिसेस को जो है प्रमोट करना वो रेजिलियंस बिल्ड करती है क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो कि इम्पोर्टेंट है क्रॉप्स के लिए। और इस तरह इसके अंदर इंक्लूडिंग है ब्रीडिंग क्लाइमेटिक रेजिलियंट क्रॉप वराइटीज और इसके अलावा अडॉप्टिंग वाटर एफिशिएंट प्रैक्टिसेस एंड डेवलपिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर वेदर इवेंट्स। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पोर्ट। तो स्पोर्टिव जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं सब्सिडीज फॉर इनपुट्स, इंश्योर फेयर प्राइसिंग एंड प्रोटेक्ट फार्मर्स इंटरेस्ट, कैन क्रिएट अ कंडंसिव एनवायरनमेंट फॉर सस्टेनेबल ग्रेन प्रोडक्शन। सो पॉलिसीज जो है वो उनको फोकस होना चाहिए, इस तरह की पॉलिसीज होनी चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस करें रेदर देन शॉर्ट टर्म ग्रेन्स। इसके साथ बहुत नेसेसरी है इनकरेज करना कोऑपरेटिव एंड फार्मर ग्रुप्स को। तो प्रमोटिंग फार्मर कोऑपरेटिव एंड ग्रुप्स जो है वो हेल्प कर सकते हैं रिसोर्सेज की पोलिंग में, एक्सेसिंग मार्केट्स के अंदर और नेगोशिएटिंग बेटर प्राइसेस। सो जो कलेक्टिव एक्शन है वो इन्हेंस कर सकता है फार्मर्स की बार्गेनिंग पावर को और रिड्यूस कर सकता है कॉस्ट को थ्रू शेयर रिसोर्सेज। ठीक है, तो इस तरह से जो लो प्रोडक्टिविटी की काजेज हैं उनको इस तरह से एड्रेस किया जा सकता है और सो अडॉप्ट किया जाना चाहिए मल्टी फैसिलिटी अप्रोच सस्टेनेबल को इंश्योर करने के लिए, ग्रेन प्रोडक्शन रिमेंस की सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। सो जो इस तरह के रिक्वायरमेंट है वो इस तरह के एफर्ट्स हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से की जाती हैं या प्राइवेट सेक्टर की तरफ से और फार्मिंग कम्युनिटीज की तरफ से, तो ये क्रिएट करते हैं कि रेजिलिएंट और प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हाउ अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स हैज हेल्प्ड इन इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स।
and livestock, and what are the prospects of genetic engineering in crop sector improvement, and discuss our pros and cons. ठीक है, understanding genetics in improving productivity of crops and livestock. तो crop improvement देखते हैं इसके अंदर कौन सी जो है वो टॉपिक्स इंक्लूड हैं, जो कि कौन से इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं क्रॉप को इम्प्रूव करने के लिए. तो इनहेंस यील्ड एंड क्वालिटी, तो जो जेनेटिक्स को यूज करते हैं जो साइंटिस्ट हैं वो हाई यील्डिंग क्रॉप को डेवलप करते हैं, मीन के ऐसी वैरायटीज प्रोड्यूस करते हैं जो कि हाई यील्डिंग क्रॉप हो की होती हैं, सेलेक्ट करके बेस्ट जीन्स को. सो दिस हैज लेड टू क्रॉप दैट प्रोड्यूस मोर एंड हैव बेटर क्वालिटी सच एज लार्जर ग्रेन्स और हायर न्यूट्रिशनल कॉन्टेंट और डिजीज रेजिस्टेंस. तो जेनेटिक्स जो है वो हेल्प करती है ऐसे क्रॉप्स क्रिएट करने में जो कि रेजिस्टेंस रखते हैं अगेंस्ट डिजीज बाय आइडेंटिफाइंग एंड कंबाइनिंग जीन्स दैट फाइट ऑफ स्पेसिफिक पैथोजेंस. ब्रीडर्स कैन मेक प्लांट्स दैट फीड फ्यूअर केमिकल्स टू स्टे हेल्दी. नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रेस टॉलरेंस को. तो जेनेटिक्स जो है उसने इनेबल्ड किया इस तरह के ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स को जो कि हैंडल करते हैं टफ कंडीशंस लाइक ड्राउट को, साल्टी सॉइल को, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को. इस तरह से जो हेल्प करते हैं क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने में चाहे क्लाइमेट चेंजेस कुछ भी हों. सो इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल कंटेंट, जेनेटिक्स अलाउ करते हैं फॉर बायो फोर्टिफिकेशन विच मीन्स मेकिंग क्रॉप रिचर इन एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स. सो दिस कैन हेल्प कम्बेट मेल न्यूट्रिशन इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. नेक्स्ट हम लाइव स्टॉक के इम्प्रूवमेंट देखते हैं इनहेंस्ड प्रोडक्टिविटी. सो जेनेटिक सिलेक्शन के थ्रू लाइव स्टॉक की ट्रेड्स लाइक हायर मिल्क प्रोडक्शन, फास्टर ग्रोथ एंड बेटर फीड एफिशिएंसी हैव बीन ब्रेड. सो दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट्स फॉर फार्मर्स. एंड अदर इज डिजीज रेजिस्टेंस, जस्ट लाइक विद क्रॉप्स लाइक अंडरस्टैंडिंग लाइव स्टॉक जेनेटिक्स हैज लेड टू ब्रीड्स दैट आर मोर रेजिस्टेंट टू डिजीज. दैट जिस तरह की डिजीज जो क्रॉप्स होती हैं जो कि रेजिस्टेंस डिजीज के अंदर तो उनके अंदर जो है वो रिड्यूस कर रिड्यूसिंग होती है उनकी एंटीबायोटिक्स की नीड, और इसके उनके अंदर जो है डेथ रेट्स लोअर हो जाता है. और इसके अलावा इम्प्रूव रिप्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी को देखते हैं तो जेनेटिक रिसर्च ने इम्प्रूव ट्रेड्स को जो है इम्प्रूव किया है जो कि रियलिटी है टू रिप्रोडक्शन इन लाइव स्टॉक, लाइक हायर फर्टिलिटी है, बेटर क्लेविंग या हैचिंग रेट्स है, इसको इम्प्रूव किया है इस तरह. सो दिस लीड्स टू मोर कंसिस्टेंट एनिमल प्रोडक्शन. नेक्स्ट हम इसकी क्वालिटी ट्रेड्स को देखते हैं तो जेनेटिक्स जो है उन्होंने स्पेसिफिक ट्रेड्स को इम्प्रूव किया लाइव स्टॉक के अंदर, जिस तरह के मीट टेंडरनेस है, मिल्क क्वालिटी है, वूल क्वालिटी है, मीटिंग मार्केट डिमांड्स हैं और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस हैं. सो प्रोस्पेक्ट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन क्रॉप सेक्टर इम्प्रूवमेंट प्रोस इंक्रीज क्रॉप यील्ड. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो उन्होंने डायरेक्टली इंसर्ट किए हैं जीन्स और बूस्ट किया है क्रॉप यील्ड्स को जो कि सिग्निफिकेंटली हायर प्रोडक्टिविटी की तरफ लेकर जाते हैं अगर हम इसको कंपेयर करें ट्रेडिशनली ट्रेडिशनल ब्रीडिंग से. सो इनहेंस्ड न्यूट्रिशन कंटेंट, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस कैन मेक क्रॉप्स रिचर इन विटामिंस, मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स बिकॉज दे हेल्प टू फाइट मेल न्यूट्रिशंस, इम्प्रूव हेल्थ एस्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, पेस्ट और डिजीज रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स जो हैं उन्होंने पेस्ट और डिजीज रेजिस्टेंस जो है ऐसी क्रॉप्स प्रोड्यूस की हैं यानी कि जेनेटिकल इंजीनियरिंग क्रॉप्स की वजह से प्रोड्यूस हुई हैं ऐसी क्रॉप्स जो कि पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस रखते हैं, डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस रखते हैं और रिड्यूस करते हैं नीड फॉर केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड दे रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट एंड मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल हार्म. ठीक है, और नेक्स्ट हम इसके हर्बिसाइड टॉलरेंस को देखते हैं तो क्रॉप्स इंजीनियर जो हैं वो टॉलरेट करते हैं सर्टन हर्बिसाइड्स अलाउ फॉर बेटर वीड कंट्रोल विदाउट हार्मिंग द क्रॉप्स एंड सच लीड्स टू हायर यील्ड्स एंड लोअर लेबर कॉस्ट. नेक्स्ट हम स्ट्रेस टॉलरेंस को देखते हैं तो जेनेटिक इंजीनियरिंग ने ऐसी क्रॉप्स क्रिएट की हैं जो कि हैंडल करते हैं टफ कंडीशन को जिसमें ड्राउट हो गए, सैलिनिटी हो गई, या इंश्योर करते हैं स्टेबल प्रोडक्शन को डिफिकल्ट इन्वायरमेंट के अंदर भी. और कौन सा अगर हम देखें इन्वायरमेंटल कॉन्सर्न तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट GMOs के लिहाज से बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं कि जिस तरह के हार्म्स ये कर सकते हैं नॉन टारगेट स्पीशीज़ को, जीन ट्रांसफर टू वाइल्ड प्लांट्स एंड सो डेवलपमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस पेस्ट और वीड्स. इस तरह से हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज़ हैं तो लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स हैं GMOs को कंज्यूम करने के. और इसके अलावा ऑन गोइंग रिसर्च जो है वो उसका मकसद है कि इसके क्रॉप्स को इंश्योर किया जा सके और इनके सेफ बनाया जा सके ईटिंग के लिए.
इथिकल और सोशल अगर हम इश्यूज देखते हैं तो सम पीपल्स जो हैं वो इथिकल कंसर्न रखते हैं, मीन के मैनिपुलेटिंग जेनेटिक मटेरियल के अबाउट. देयर आल्सो इश्यूज विद लार्ज कंपनीज कंट्रोलिंग सीड पेटेंट्स व्हिच कैन लिमिट फार्मर एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रिएट डिपेंडेंसीज. इस तरह इकोनॉमिक कंसर्न है तो हाई कॉस्ट के जो डेवलपिंग जीएमओज हैं वो इनएसेसिबल कर सकते हैं, इनएसेसिबल बना सकते हैं स्मॉल फार्मर्स को. एडिशनली जिस तरह के मार्केट रेजिस्टेंस है जीएमओज तक इनको इफेक्ट करती है वो ट्रेड एंड प्रॉफिट्स के ऊपर. इस तरह रेगुलेटरी हर्डल्स देखे तो जेनेटिक इंजीनियर्ड क्रॉप्स जो हैं वो मस्ट पास स्ट्रिक्ट रेगुलेशन टू इंश्योर देयर सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस. सो इस तरह का जो प्रोसेस है वो लेंथी हो सकता है, एक्सपेंसिव हो सकता है और जो कि बेनिफिशियल क्रॉप्स की इंट्रोडक्शन को डिले कर सकता है. तो नेक्स्ट हम इसके कंक्लूजन की तरफ आते हैं. तो अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक्स हैज ग्रेटली इंप्रूव्ड क्रॉप एंड एस्ट्रो प्रोडक्टिविटी थ्रू सिलेक्टिव ब्रीडिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग. सो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स ऑफर करती है, जिस तरह के हायर यील्ड्स है, बेटर न्यूट्रिशन है और सो इट आल्सो ब्रिंग चैलेंजेस सच एज एनवायरमेंटल एंड हेल्थ कंसर्न. ठीक है, जिस तरह से जेनेटिक्स जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस तरह के क्रॉप डेवलप करने में, लाइफ स्टॉक को क्रिएट करने में, प्रोड्यूस करने में, जिसके अंदर रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है डिजीज के अगेंस्ट और उनके अंदर क्वालिटीज ट्रेडिशनल एनिमल्स के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं. तो उसके साथ साथ तो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस भी इसकी वजह से होते हैं, हेल्थ कंसर्न भी इसकी वजह से आते हैं, इथिकल इशूज भी आते हैं, इस तरह इकोनॉमिक हर्डल्स भी इसी की वजह से आते हैं. सो बैलेंसिंग दिस फैक्टर्स इज इम्पोर्टेंट अगर हम इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं जेनेटिक इंजीनियर को एग्रीकल्चर के अंदर. तो इस तरह के फैक्टर्स को जो है जो कि नुकसानदेह हैं उनको जो है रिड्यूस करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोइल फर्टिलिटी एंड हाउ सोइल फर्टिलिटी ऑफ अरेबल लैंड्स कैन बी मेंटेन्ड इन गुड शेप, हाउ ट्रीज कुड बी हेल्पफुल इन रिक्लेमिंग वाटर लॉग एंड सैलिएंट सॉइल्स. तो अंडरस्टैंडिंग सोइल फर्टिलिटी देखते हैं, डेफिनेशन हम देखते हैं पहले सोइल फर्टिलिटी की. सोइल फर्टिलिटी क्या है? सोइल फर्टिलिटी इज द अबिलिटी ऑफ सॉइल टू प्रोवाइड इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एंड सपोर्ट प्लांट ग्रोथ. ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी सॉइल की वो एबिलिटी होती है जो कि न्यूट्रिएंट्स इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए. और जो फर्टाइल सॉइल है होती है उसके अंदर इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि गुड स्ट्रक्चर रखते हैं, उसके अलावा उसकी जो है मॉइस्चर को होल्ड करते हैं और उनके अंदर पीएच लेवल बैलेंस होता है जो कि सूटेबल होता है क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए. इस तरह अगर इसके की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर हम कंपोनेंट्स देखते हैं सॉइल फर्टिलिटी के अंदर तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी आती है. तो सॉइल जो है उसको नीड्स होती है इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की, लाइक जिस तरह के नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, इस तरह से ट्रेस एलिमेंट्स हैं लाइक जिंक, आयरन एंड मैग्नीज. इस तरह अगर हम सॉइल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो गुड सॉइल स्ट्रक्चर्स जो है अलाउ करते हैं रूट्स को पेनिट्रेट करने के लिए, इजीली वो पेनिट्रेट कर सकते हैं. इस तरह से उनके अंदर वाटर और एयर भी मूव हो सकती है सॉइल के थ्रू. इस तरह अगर हम ऑर्गेनिक मैटर को देखते हैं तो हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सॉइल की स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, उसकी हेल्प करता है वाटर को रिटेन करने में. इस तरह जो है वो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई के अंदर हेल्प करता है. नेक्स्ट हम पीएच बैलेंस अगर हम इसका देखें तो बैलेंस पीएच यूजुअली जो होता है वो बिटवीन होता है 6.0 और 7.5. तो इम्पोर्टेंट है ये न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी और सॉइल की माइक्रोब्स की एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. माइक्रोबल एक्टिविटी को देखें तो बेनिफिशियल सॉइल माइक्रोबल्स जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं जो कि प्लांट्स को फिर अवेलेबल होते हैं. तो इस तरह से अगर हम देखें इसकी क्रॉप रोटेशन को तो रोटेटिंग जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं जो हेल्प करते हैं न्यूट्रिशन की डिप्लेशन से बचाते हैं, रिड्यूस करते हैं डिजीजेज को, इस तरह इम्प्रूव करते हैं सॉइल के स्ट्रक्चर को. सो डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हैं और इनके अंदर डिफरेंट रूट स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बेनिफिट्स होते हैं सॉइल के लिए. नेक्स्ट हम इसकी ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स को देखते हैं. तो जो कंपोस्ट है, मेन्यूर है या ग्रीन मेन्यूर को ऐड करना सॉइल स्ट्रक्चर के अंदर तो ये इम्प्रूव करते हैं उसकी वाटर रिटेंशन को, न्यूट्रिएंट कंटेंट को. इस तरह ये प्रमोट करती है माइक्रोबल एक्टिविटी को जो कि हेल्प करती है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के अंदर. कवर क्रॉप्स अगर हम देखें तो जो ग्रोइंग कवर क्रॉप्स है ऑफ सीजन सीजन के अंदर तो प्रिवेंट्स करती है वो सॉइल एरोजन से, इम्प्रूव करती है सॉइल की स्ट्रक्चर को. इस तरह से ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर ऐड करती है, लेग्यूम्स जिस तरह से हैं ये कवर क्रॉप्स हैं तो ये जो है नाइट्रोजन ऐड करती है सॉइल के अंदर. बैलेंस फर्टिलाइजेशन तो अप्लाइंग राइट अमाउंट एंड टाइप ऑफ फर्टिलाइजर बेस्ड ऑन सॉइल टेस्ट इंश्योर प्लांट गेट द न्यूट्रिएंट्स दैट नीड विदाउट काजिंग इम्बैलेंसेस आर पोल्यूशन.
सो बोथ सिंथेटिक और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो हैं उनको वाइजली यूज़ किया जाना चाहिए ताकि क्रॉप्स को इससे नुकसान ना पहुँचे। तो कंजर्वेशन टेलिज देखते हैं प्रैक्टिसेस लाइक रिड्यूस टिल फार्मिंग जो है वो प्रिजर्व करती है सॉइल के स्ट्रक्चर को ऑर्गेनिक मैटर को। सो इसके अलावा रिड्यूस एरोजन को रिड्यूस करते हैं और इम्प्रूव वाटर फिल्ट्रेशन इसके जरिए होती है क्योंकि ये सॉइल की जो डिस्टर्बेंस है उसको मिनिमाइज कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइमिंग को। तो लाइम जो है ये ऐड किया जाता है एसिडिक सॉइल के अंदर जो कि पीएच को रेज करता है मोर सूटेबल लेवल तक क्रॉप्स के लिए। सो प्रॉपर पीएच मैनेजमेंट इंश्योर करती है ऑप्टिमल न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को और माइक्रोबल की एक्टिविटी को। इस तरह अगर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट देखें यानी आईपीएम, आईपीएम जो स्ट्रेटजीज हैं वो कंट्रोल करते हैं पेस्ट को, रिड्यूस करते हैं इसके अलावा जो केमिकल पेस्टिसाइड्स की नीड को, इसके अलावा ये जो सॉइल हेल्थ है उसको भी हार्म कर सकते हैं। सो आईपीएम जो है इसके अंदर इंक्लूड होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल, क्रॉप रोटेशन, पेस्ट रेजिस्टेंट। ठीक है, आईपीएम ऐसा सिस्टम होता है जो कि बहुत सारे जिसके अंदर यानी मेथड्स इंक्लूड होते हैं कि किस तरह से बायोलॉजिकल जिस तरह के कंट्रोल है वो किस तरह से किया जाए यानी कि क्रॉप्स को इम्प्रूव करने के लिए। मेथड्स जो कलेक्टिवली यूज कहते हैं उसको आईपीएम कहते हैं, जिसके अंदर क्रॉप रोटेशन आता है, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप वैराइटीज, इसके अलावा रिक्लेमिंग वाटर लॉग और सेलिन सॉइल विद ट्रीज। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट हम रिक्लेमिंग वाटर लॉग और सेलिन सॉइल्स विद ट्रीज देखते हैं। तो ट्रीज जिस तरह से यूकेलिप्टस है मीन के डीप रूट्स वाले हैं जो कि लोअर कर सकते हैं वाटर टेबल को एब्जॉर्ब करके वाटर को और रिलीज करते हैं इसको एयर के अंदर थ्रू ट्रांसपायरेशन। सो जो ट्रीज रूट्स हैं वो सॉइल के स्ट्रक्चर को इस तरह से इम्प्रूव करते हैं क्योंकि चैनल्स क्रिएट करते हैं जो कि वाटर की फिल्ट्रेशन को ड्रेंज को इन्हेंस करते हैं। इसी तरह जो है सेलिन सॉइल्स है तो ट्रीज जो टॉलरेंट टू हाई सेलिनिटी लाइक साल्ट बुश और सर्टन जो स्पीशीज है जो कि ग्रो करते हैं सेलिन सॉइल्स के अंदर वो हेल्प उनको करती है रिड्यूस करने में उसकी सॉइल सेलिनिटी को टाइम के साथ साथ। इस तरह साल्ट टॉलरेंस है उनके अंदर आ जाती है कि कुछ ट्रीज जो है वो ऑब्जर्व करते हैं साल्ट को और स्टोर करते हैं उनको अपने टिश्यूज के अंदर साल्ट लेवल्स को रिड्यूस करने के लिए। तो ट्रीज जो है वो क्या करते हैं अपने ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं सॉइल के अंदर लीव्स के थ्रू और रूट्स के थ्रू जो कि सॉइल की स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं जो और इस तरह से उनको जो है फ्लश साल्ट्स अवे फ्रॉम द रूट जोन यानी कि रूट्स जोन से जो है वो फ्लश साल्ट्स को दूर लेकर जाते हैं। और इस तरह अगर हम इसके देखें ऑर्गेनिक मैटर एडिशन को तो सो ये जो ट्रीज हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर के अंदर सॉइल को ऐड करने में। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ ट्रीज फॉर रिक्लेमेशन। ठीक है, तो इनके अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म के प्लांट्स देखते हैं। तो इफेक्टिव जो लोअरिंग वाटर टेबल्स है वाटर लॉग सॉइल्स के अंदर वो यूकेलिप्टस है, इस तरह एकेशिया है जो कि टॉलरेंट है सेलिन सॉइल्स एंड एड्स ऑर्गेनिक मैटर। और इस तरह से जो है साल्ट बुश है ये ग्रो करता है सेलिन कंडीशंस के अंदर जो कि यानी कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स यानी कि प्लांट्स के हवाले से ज़्यादा ये सेलिन कंडीशंस से बेहतर ग्रो करता है इसके अंदर और बायो रेमेडिएशंस के अंदर हेल्प करता है। सो जो सॉइल फर्टिलिटी है वो इम्पोर्टेंट है सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए जिसके अंदर न्यूट्रेंट अवेलेबिलिटी इंक्लूड है, गुड सॉइल स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनिक मैटर है, इसके अलावा बैलेंस्ड पीएच है, एक्टिव सॉइल माइक्रोब्स हैं। सो इनको जो है सस्टेनेबल करने में सॉइल फर्टिलिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी इसके अंदर जो इन्वॉल्व होता है प्रैक्टिसेस लाइक क्रॉप रोटेशन नेसेसरी है, इसके साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करना नेसेसरी है ताकि इसकी क्रॉप्स की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, कवर क्रॉप्स को यूज करना, बैलेंस फर्टिलाइजर्स का यूज करना, इसके अलावा टिलेज को कंजर्व करना, लाइमिंग को यूज करना, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करना। तो ये जितने भी मेथड्स हैं ये क्रॉप्स को इम्प्रूव करते हैं, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। इस तरह ट्रीज कैन हेल्प रिक्लेम वाटर लॉग एंड सेलिन सॉइल्स, ठीक है, जो कि सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं थ्रू देयर रूट्स, वाटर यूज एंड ऑर्गेनिक मैटर एडिशन। सो टुगेदर दीज अप्रोचेस इंश्योर सस्टेनेबल सॉइल मैनेजमेंट और ये इन्हेंस करते हैं फर्टिलिटी को क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेंजलैंड्स, हाउ दीज रेंजलैंड्स रिसोर्सेज इन द कंट्री कुड इफेक्टिवली बी यूटिलाइज्ड, व्हाट कुड पॉसिबली बी डन टू इम्प्रूव दीज रेंजलैंड्स। तो सिग्निफिकेंस ऑफ रेंजलैंड्स देखते हैं इसमें इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, इस बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन देखते हैं तो रेंजलैंड्स जो हैं वो
होम होते हैं मेनी प्लांट और एनिमल स्पीशीज का, जो कि हेल्प करते हैं इकोसिस्टम को बैलेंस करने में। और सोयल को की कंजर्वेशन है, तो प्लांट्स जो रेड लैंड के अंदर हैं वो सोयल एरोजन से बचाते हैं और वाटर सॉक के अंदर हेल्प करते हैं ग्राउंड में। इस तरह जो है कार्बन सिक्योस्ट्रेशन है, तो रेंज लैंड कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से एब्जॉर्ब करते हैं और हेल्प करते हैं फाइट क्लाइमेट चेंज के अंदर। इस तरह नेक्स्ट हम इसका अगर हम रोल देखें तो वाटर जो है वो रेगुलेशंस के अंदर, इसका वाटर को रेगुलेट करने के साथ साथ इनका जो है इकोनॉमिक अगर हम रोल देखें, जिनके इकोनॉमिक का सिग्निफिकेंस, तो लाइफ स्टॉक की जो ग्रेजिंग है वो किस तरह से होती है कि रेंज लैंड जो है वो ग्रेजिंग एरियाज प्रोवाइड करते हैं लाइफ स्टॉक के लिए, जो कि क्रूशल है उनके पेस्टोरल कम्युनिटीज के लिए, लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री के लिए। इस तरह फॉरेज प्रोडक्शन है, तो ये फूड प्रोड्यूस करते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए। रॉ मटेरियल्स, तो रेंज लैंड जो है वो प्रोवाइड करते हैं मटेरियल्स लाइक जिस तरह के मेडिसिनल प्लांट्स हैं और फाइबर्स हैं, ये प्रोवाइड। अगर हम इनके सोशो कल्चरल वैल्यू देखते हैं तो जिसके अंदर ट्रेडिशनल लाइवलीहुड आते हैं, मीन के रेंज लैंड जो है वो ट्रेडिशनल पेस्टोरल लाइफ स्टाइल को सपोर्ट करने के साथ साथ जो है ये कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करते हैं, प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व करते हैं, और इस तरह से ये रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं जिस तरह के फूड है, फ्यूल है या मेडिसिनल प्लांट्स है, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द वेलबींग ऑफ लोकल कम्युनिटीज। और नेक्स्ट हम इनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन अगर हम देखें रेंज लैंड रिसोर्सेज का, तो सस्टेनेबल ग्रेजिंग मैनेजमेंट, तो रोटेशनल ग्रेजिंग इसमें देखते हैं, इम्प्लीमेंटिंग रोटेशनल ग्रेजिंग सिस्टम टू प्रिवेंट ओवर ग्रेजिंग एंड इंश्योर दैट वेजिटेशन हैज टाइम टू रिकवर। सस्टेनेबल ग्रेजिंग जो है यानी कि लाइवस्टॉक को डिफरेंट एरियाज के अंदर मूव करना ताकि ओवर ग्रेजिंग से बचा जा सके, मीन के एक एरिया के ऊपर उनकी ग्रेजिंग ना हो, और क्योंकि ओवर ग्रेजिंग की वजह से जो है सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। इस तरह कैरिंग कैपेसिटी जो असेसमेंट है, तो रेगुलर चेक करना कि हाउ मेनी एनिमल्स दैट लैंड कैन सपोर्ट विदाउट डैमेज। और इस तरह से रिस्टोरेशन एंड रिहेबिलेशन है, तो इसके अंदर रिवेजिटेशन देखें तो प्लांट नेटिव जो ग्रासेस हैं और इसके अलावा जो श्रब्स हैं वो रिस्टोर करते हैं लैंड को। और इसी तरह एरोजन कंट्रोल अगर हम देखते हैं तो मेथड्स लाइक कंटोर प्लोइंग है या टेरेसिंग है, ये सोयल एरोजन से बचाते हैं। नेक्स्ट हम वाटर मैनेजमेंट को देखते हैं, तो वाटर हार्वेस्टिंग बिल्ड स्ट्रक्चर्स टू कलेक्ट एंड स्टोर वाटर फॉर लाइफ स्टॉक एंड प्लांट्स। और इसी तरह एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम जो कि इम्प्रूव करता है रेंज लैंड्स की प्रोडक्टिविटी को। इसके अलावा जो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग है, मीन के कम्युनिटी बेस्ड जो मैनेजमेंट है जिसके अंदर लोकल कम्युनिटीज इन्वॉल्व होते हैं लाइक डिसीजन मेकिंग अबाउट रेंज लैंड यूज। और इसके अलावा जो है ट्रेनिंग और एजुकेशन है, एजुकेट करना लोकल्स को सस्टेनेबल रेंज लैंड मैनेजमेंट के हवाले से। इसके अलावा पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क, तो जो ऐसी पॉलिसीज क्रिएट करना जो कि सस्टेनेबल यूज को प्रमोट करते हैं रेंज लैंड्स की, और इस तरह से एड्रेस करते हैं लैंड और रिसोर्स की राइट्स को। इस तरह इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग है, तो इम्प्रूव करना इंस्टीट्यूशंस को जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैनेज करने में रेंज लैंड्स को, टू इंश्योर करने के लिए इफेक्टिव रेगुलेशंस एंड प्लानिंग को। तो नेक्स्ट है इम्प्रूविंग रेंज लैंड्स, इन्हेंसिंग वेजिटेशन कवर, एफोरेस्टेशन एंड रिफोरेस्टेशन। तो प्लांट ट्रीज और श्रब्स हैं ये इम्प्रूव करते हैं कवर एंड बायोडाइवर्सिटी को। इस तरह से जो इन्वेसिव स्पीशीज हैं अगर हम इसका कंट्रोल देखें, तो मैनेज इन्वेसिव स्पीशीज जो कि हम करते हैं नेटिव प्लांट्स को, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। इस तरह सॉइल फर्टिलिटी को मैनेज करना भी नेसेसरी है, कि ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स इसमें ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करना लाइक मैन्यूर हैं जो कि सॉइल की क्वालिटी को जो है वो इम्प्रूव करते हैं। इस तरह से न्यूट्रेंट मैनेजमेंट है जो कि अप्रोप्रिएट फर्टिलाइजर्स को अप्लाई करना बेस्ड ऑन सॉइल टेस्ट टू इन्हेंस प्लांट ग्रोथ। और इस तरह से टेक्नोलॉजिकल जो इंटरवेंटेशन है, रिमोट सेंसिंग एंड जीएस यूज टेक्नोलॉजीज जो कि मॉनिटर करते हैं और मैनेज करते हैं रेंज लैंड्स को। सो ये जो है प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं रेंज लैंड्स को इम्प्रूव करने के लिए, इसकी क्वालिटी को और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इस तरह इम्प्रूव्ड ग्रेजिंग टेक्निक्स हैं जिसके अंदर जो है वो इन टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग के मेथड्स को एडवांस करने के लिए। इस तरह से रिसर्च और डेवलपमेंट को अगर हम देखें, तो रिसर्च के अंदर इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है ताकि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को डेवलप किया जा सके। इस तरह से जो है इकोनॉमिक अगर हम इनके जो है इकोनॉमिक अगर हम देखें इसके पायलट प्रोजेक्ट्स को, तो न्यू मेथड्स इनकी टेस्टिंग स्मॉल स्केल के ऊपर नेसेसरी है
टू सी दैट व्हाट वर्क्स बेस्ट, और इसके तरह इकोनॉमिक इंसेंटिव्स हैं, सब्सिडीज और ग्रांट्स जो कि प्रोवाइड किए जाए प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट सस्टेनेबल रेंट एंड प्रैक्टिसेस के लिए। इस तरह से मार्केट एक्सेस है तो मार्केट एक्सेस को इम्प्रूव करने के लिए रेंज रेंट के प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए नेसेसरी है, लाइक मीट है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं। सो जो रेंज लैंड्स है वो इम्पोर्टेंट है इन्वायरमेंट के लिए, इकोनॉमी के लिए, कल्चरल हेरिटेज के लिए। टू कीप देम हेल्दी एंड प्रोडक्टिविटी वी नीड सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, रिस्टोरेशन एफर्ट्स एंड एफिशिएंट वाटर यूज, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, सो सपोर्टिव पॉलिसीज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये तमाम जो है इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं जो के लिए जाने चाहिए रेंज लैंड को इम्प्रूव करने के लिए, उसको महफूज बनाने के लिए। सो इन स्ट्रेटजीज को जो फॉलो करके रेंज लैंड्स को इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके उसको सपोर्ट किया जा सकता है, क्योंकि रेंज लैंड जो है बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है, क्योंकि ये उसके लिए लेवलीहुड प्रोवाइड करती है और इस इन्वायरमेंट हेल्थ को मेंटेन करने में रेंज लैंड्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो रेंज लैंड्स के लिए पर जो है प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रेटजीज अपनाना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट आर डिफरेंट ग्रेजिंग सिस्टम इन वेज फॉर स्मॉल रेमिनेंट्स एंड हाउ livestock wealth of the country has benefited from existing ranch and forest resources. So different grazing system हम small ruminants के लिए देखते हैं कि इनका grazing system क्या होता है। तो सबसे पहले हम continuous grazing को देखते हैं, तो animal graze करते हैं same pasture में तमाम season के अंदर without moving, ठीक है। और अगर हम देखें कि इसके जो है जो rotational grazing, इसमें क्या करते हैं animals जो है वो move करते हैं different pastures के अंदर। और इसके अलावा इसके अगर हम देखें डिफरेंट ग्रेजिंग को, तो सम पास्टर्स जो हैं वो लेफ्ट होते हैं टू रेस्ट ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, और फिर ये लेटर यूज होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रिप ग्रेजिंग को। स्ट्रिप ग्रेजिंग क्या होती है, पास्टर्स जो है इसके अंदर डिवाइडेड होते हैं डिफरेंट स्ट्रिप्स के अंदर, मूवेबल फेंसिस को यूज करते हुए एनिमल ग्रेज करते हैं वन स्ट्रिप एट अ टाइम। नेक्स्ट हम इसके देखते हैं के क्रीप ग्रेजिंग क्या होती है, तो यंग एनिमल्स जो है वो एक्सेस रखते हैं हाई क्वालिटी फॉरेज तक दैट एडल्ट्स कैन नॉट रीच, इसको क्रीप ग्रेजिंग कहते हैं। मिक्स्ड ग्रेजिंग क्या होती है, डिफरेंट स्पीशीज जिस तरह से शीप है कैटल है वो सेम पास्चर को ग्रेज करते हैं, तो इस तरह की को जो ग्रेजिंग को मिक्स ग्रेजिंग कहा जाता है। तो स्लोबो पास्टरल सिस्टम हम देखते हैं, तो इस सिस्टम के अंदर जो इंटीग्रेशन ट्रीज है इंटीग्रेटिंग ट्रीज फॉरेज और लाइफ स्टाइल सेम लैंड के ऊपर, इसमें ट्रीज जो हैं वो शेड प्रोवाइड करते हैं, सोयल को इम्प्रूव करते हैं और इस तरह से एक्स्ट्रा फूड ऑफर करते हैं। और बेनिफिट्स हम लिव स्टॉक वेल्थ देखें फ्रॉम एग्जिस्टिंग रेंज और फॉरेस्ट रिसोर्सेज से, तो फॉरेज अवेलेबिलिटी हम इसमें देखते हैं कि नेचुरल ग्रेजिंग एरियाज जो हैं वो रिड्यूस करते हैं नीड को फॉर कल्टिवेटेड फीड एंड सपोर्ट करते हैं लिव स्टॉक को स्पेशली इन ड्राई रीजन्स के अंदर। नेक्स्ट हम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी को देखते हैं, तो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी में क्या होता है कि डाइवर्स प्लांट्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स यानी कि ऑफर करते हैं जो कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइव स्टॉक हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, उसकी प्रोडक्टिव को इंप्रूव करने के लिए। इस तरह सीजनल ग्रेजिंग क्या होती है, रेंजलैंड और फॉरेस्ट जो है वो फॉरेज प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग ड्राई सीजन व्हेन कल्टीवेटेड पास्चर्स आर अनअवेलेबल एंड मेंटेनिंग प्रोडक्टिविटी। और इस तरह से जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं फॉरेस्ट प्लांट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के साथ बेनिफिट करते हैं लाइव स्टॉक हेल्थ को और रिड्यूस करते हैं रिलायंस को वेटरनरी ड्रग्स के ऊपर। इस तरह शेड एंड शेल्टर है, तो ट्रीज जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम हार्श वेदर रिड्यूसिंग हीट स्ट्रेस एंड इम्प्रूव एनिमल वेलफेयर, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं इसका सॉइल फर्टिलिटी के इम्प्रूवमेंट को, तो ग्रेजिंग लाइव स्टॉक कंट्रीब्यूट करते हैं टू न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बाय डीकंपोजिंग मैन्यूर व्हिच एनरिचेस सॉइल फर्टिलिटी, दिस इज पर्टिकुलर बेनिफिशियल इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम वेयर सॉइल क्वालिटी कैन बी एनहांस्ड फॉर बोथ ट्रीज एंड फॉरेज क्रॉप। जो मैन्यूर होते हैं ग्रेजिंग लाइव स्टॉक वो इनरिच करते हैं सॉइल्स को, इस तरह बेनिफिट करते हैं ट्रीज और फॉरेज क्रॉप्स को। इकोनॉमिक बेनिफिट्स हम देखें तो नेचुरल फॉरेज को यूज करते हुए जो कि रिड्यूस कर देते हैं फीड कॉस्ट को, इंक्रीज करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी को, सपोर्ट करते हैं रूरल कम्युनिटीज इकोनॉमिक्स को। और इस तरह से अगर हम देखें इम्प्रूव रेंज लैंड्स एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज फॉर लाइव स्टॉक सस्टेनेबल ग्रेजिंग मैनेजमेंट को, तो रोटेशनल और जो डिफर्ड ग्रेजिंग है वो ओवर ग्रेजिंग से बचाते हैं और इस तरह से पास्चर की क्वालिटी को जो है वो मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन को, तो जो प्लांट ट्रीज हैं डिग्रेडेड एरियाज के अंदर इम्प्रूव करते हैं फॉरेस्ट कवर को और फॉरेज अवेलेबिलिटी को।
इस तरह से जो है सॉइल के जो अवेल सॉइल एंड वाटर की जो कंजर्वेशन है, तो कंटोर प्लोविंग को यूज करना, टेरेसिंग को यूज करना, वाटर हार्वेस्टिंग जो कि प्रिवेंट करते हैं सॉइल एरोजन से और इम्प्रूव करते हैं वाटर अवेलेबिलिटी को। इस तरह से फोडर बैंक्स क्या है, एस्टेब्लिश फोडर बैंक्स इन फॉरेस्ट एरियाज फॉर हाई क्वालिटी फॉरेज ड्यूरिंग लीन पीरियड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्रोल ग्रेजिंग को, तो मैच या लाइव स्टॉक नंबर्स टू लैंड द कैरिंग कैपेसिटी टू इंश्योर सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इनको लाइव स्टॉक नंबर्स को मैच करना नेसेसरी है लैंड कैरिंग कैपेसिटी के लिए, ताकि रिसोर्सेज की सस्टेनेबिलिटी को जो है वो इम्प्रूव किया जा सके, उसको मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, सो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बहुत नेसेसरी है क्योंकि ये एंगेज करते हैं लोकल कम्युनिटीज को मैनेज करने में रेंज लैंड्स एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज को, और इंश्योर करते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और इसके फेयर यूज को। रिसर्च और डेवलपमेंट क्या है, इन्वेस्ट इन रिसर्च टू फाइंड द बेस्ट ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस दैट इज नेसेसरी टू डेवलप इंप्रूव्ड फॉरेज स्पीशीज पॉलिसी स्पॉट क्रिएट और इन्फोर्स पॉलिसीज जो कि सस्टेनेबल ग्रेजिंग को प्रमोट करते हैं, रिसोर्सिस को प्रोटेक्ट करते हैं, इस तरह पास्ट कम्युनिटीज को सपोर्ट करते हैं। और नेक्स्ट हम इसके देखते हैं ट्रेनिंग और एजुकेशन को, तो ये जो है जिस तरह से ट्रेनिंग और जिनके ट्रेनिंग उनको दी जाती है, एजुकेट किया जाता है फार्मर्स को सस्टेनेबल ग्रेजिंग के लिए, फॉरेज मैनेजमेंट के लिए और इंटीग्रेटेड ट्रीज के लिए लाइफ स्टॉक के साथ। तो डिफरेंट ग्रेजिंग सिस्टम जिस तरह से कंटिन्यूस है या रोटेशनल है या डिफर्ड है, स्ट्रिप या क्रिप मिक्स ग्रेजिंग है, इसके अलावा सिल्वो पोस्टल सिस्टम है जो कि स्मॉल रेमिनेंट्स के लिए बेनिफिट है वेरियस वेज से। सो रेंजलैंड और फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो है वो फॉरेज प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी प्रोवाइड करते हैं, सीजनल ग्रेजिंग मेडिसिनल प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं, शेड इस तरह से सोयल फर्टिलिटी है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, और ये रिसोर्सेज इंप्रूविंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं सस्टेनेबल ग्रेजिंग को, रिफॉरेस्टेशन को, सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन को। इसके अलावा फोडर बैंक्स हैं और ग्रेजिंग को कंट्रोल करने के अंदर ये स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह से कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है जिस तरह के रिसर्च है, पॉलिसी सपोर्ट एंड ट्रेनिंग। सो ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये लाइव स्टॉक को एनहेंस करते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी को, सस्टेनेबिलिटी को एनहेंस करते हैं, और जो कि रूरल कम्युनिटीज के लिए बेनिफिशियल है, और इस तरह से नेशनल इकोनॉमी के अंदर भी ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हम इस जो है अपना लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग सॉइल एरोजन जियोडिशियस एप्लीकेशन ऑफ अ केमिकल फर्टिलाइजर्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग ग्रेन स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन एग्रोफॉरेस्ट्री वर्सेज फार्म फॉरेस्ट्री इन्वायरमेंटली कंट्रोल पोल्ट्री हाउसेज। ठीक है, इन टॉपिक्स में से हम जो है किसी भी फोर टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर उसको। तो सबसे पहले जो है हम सॉइल एरोजन को देख लेते हैं। सॉइल एरोजन क्या होती है इसको डिफाइन करते हैं। सॉइल एरोजन इज वेन द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज वर्न अवे बाय नेचुरल फॉरेसेस लाइक विंड एंड वाटर और बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन एंड पुअर लैंड यूज। ठीक है, सॉइल एरोजन वैसे प्रोसेस है जिसमें टॉप से लेयर जो है वो उसको नुकसान पहुंचता है नेचुरल फोर्सेस की वजह से, वो खराब हो जाती है जिसके अंदर विंड इंक्लूड है या वाटर है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिसमें डिफॉरेस्टेशन और इम्प्रॉपर लैंड यूज आ जाता है। ठीक है, इसको सॉइल एरोजन कहते हैं। और इस तरह जो इसकी काजेज हैं वो है वाटर एरोजन, रेनफॉल और सरफेस रन ऑफ वॉश अवे सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, यानी रेनफॉल जो है और सरफेस रन ऑफ ये सॉइल के पार्टिकल्स को साथ बहा ले जाते हैं, उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। इस तरह से विंड एरोजन है तो स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज होती है तो ये सॉइल अवे को लूज कर देती है स्पेशली ड्राई एरियाज के अंदर। इसके अलावा जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, डिफॉरेस्टेशन है, ओवर ग्रेजिंग है, पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है जो कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्निफिकेंटली सॉइल एरोजन के अंदर। सो अगर हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखें तो फर्टिलिटी टॉप सॉइल का लॉस हो जाता है, मीन के सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, और सेडिमेंटेशन मीन के एरोडेड सॉइल पार्टिकल्स कैन क्लॉग वाटर वेज, इफेक्टिव करते हैं इस तरह से एक्वेटिक इकोसिस्टम्स को और वाटर की क्वालिटी को, और लैंड डिग्रेडेशन होती है लीड्स टू रिड्यूस लैंड वैल्यू और इंक्रीज करते हैं वल्नरेबिलिटी को जो कि ड्राउट और डिजर्टिफिकेशन को इंक्रीज कर देते हैं। इस तरह से अगर हम देखें इसे हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंटेशंस क्या है इसकी, तो कंट्रोल प्लोविंग है, प्लोविंग अलोंग द कंट्रोल लाइंस ऑफ स्लोप टू रिड्यूस रन ऑफ एंड सॉइल लॉस, और इसके अलावा है टेरेसिंग क्रिएटिंग टेरेसिस ऑन स्लोप्स टू स्लो डाउन वाटर फ्लो एंड इंक्रीज वाटर इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, कंट्रोल प्लोविंग और टेरेसिंग से जो है ये इसके प्रिवेंटेशन जैसे एकदम हैं जो कि इसके सॉइल एरोजन से बचाते हैं।
इसी तरह जो है कवर क्रॉपिंग है, प्लांट कवर क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं सॉइल को, सरफेस को एरोजन से। एफोरेस्टेशन आई मीन के प्लांटिंग ट्रीज टू स्टेबलाइज द सॉइल विद देयर रूट सिस्टम। ठीक है, ट्रीज को प्लांट करना ताकि सॉइल के जो रूट सिस्टम है उसको स्टेबलाइज किया जा सके। और नेक्स्ट हम अपना पॉइंट जो है वो ज्यूडिशियस एप्लीकेशन केमिकल फर्टिलाइजर्स के लिए देखते हैं। ज्यूडिशियस एप्लीकेशन केमिकल फर्टिलाइजर्स के अंदर इन्वॉल्व होता है केयरफुल और एप्रोप्रिएट यूज फर्टिलाइजर का। ठीक है, ताकि ज्यादा क्रॉप्स अगर फर्टिलाइजर के यूज करते हैं तो वो भी नुकसान देते हैं, अगर कम फर्टिलाइजर उसकी नीड से दी जाती है क्रॉप्स को तो वो भी उसके लिए जो है हार्मफुल होता है। सो बैलेंस फर्टिलाइजर्स जो है नेसेसरी है ताकि हाई यील्ड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज को जो है हासिल किया जा सके, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके। सो न्यूट्रिएंट नीड्स जो है एनवायरमेंटल हार्म और इकोनॉमिक वेस्ट के विदाउट हासिल हो जाती है अगर हम ज्यूडिशियस एप्लीकेशन करें केमिकल फर्टिलाइजर्स की। और इसी तरह सो इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये क्रॉप्स यील्ड्स को एनहेंस करती है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है और प्लांट ग्रोथ को इम्प्रूव करती है, इसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है। इस तरह से सॉइल फर्टिलिटी मेंटेनेंस है, रिप्लेनिशिंग सॉइल न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिप्लेटेड बाय कंटीन्यूअस क्रॉपिंग। एंड इसके अलावा अगर हम इसकी कॉस्ट एफिशिएंसी देखें तो ऑप्टिमाइज करती है फर्टिलाइजर यूज को, रिड्यूस करते हैं कॉस्ट को एंड प्रिवेंट करते हैं न्यूट्रिएंट के वेस्टेज को। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखते हैं तो सॉइल टेस्टिंग इसके अंदर आता है, डिटर्मिनेट करना सॉइल न्यूट्रिएंट्स जो के नीड्स होते हैं फर्टिलाइजर्स को जो यूज करने से पहले। इस तरह से बैलेंस फर्टिलाइजेशन है तो मिक्स नाइट्रोजन फास्फोरस का और पोटाशियम का यूज जो है वो क्रॉप नीड्स के ऊपर बेस करते हैं। इस तरह प्रॉपर टाइमिंग और एप्लीकेशन को देखें तो फर्टिलाइजर्स को राइट टाइम्स के ऊपर और राइट अमाउंट के अंदर अप्लाई करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। सो इसके अलावा हम इसके एनवायरमेंटल कंसिडरेशन को देखते हैं जिसमें प्रिवेंटिंग ओवर यूज होता है, मीन के अवॉइड करना एक्सेस एप्लीकेशन से टू प्रिवेंट न्यूट्रिएंट रन ऑफ एंड पोल्यूशन। और इस तरह से यूजिंग स्लो रिलीज फर्टिलाइजर के रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ न्यूट्रिएंट लीकिंग को और इनहेंस करता है न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को। नेक्स्ट पॉइंट्स इसके अंदर जो है वो आता है बफर स्ट्रिप्स एंड रिपेयरिंग जोन्स का एस्टेब्लिशिंग वेजिटेटिव बफर्स टू फिल्टर रन ऑफ एंड प्रोटेक्ट वाटर बॉडीज। इस तरह से हम सी पॉइंट इसका देखते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर। ठीक है, इसकी डिफाइन कैसे करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, कलेक्ट करना और रेन वाटर को स्टोर करना ताकि वेरियस यूजेस यानी कि मुख्तलिफ यूजेस के लिए इसको जो है यूज किया जा सके, मीन के जैसे कि इरीगेशन है या ड्रिंकिंग है या डोमेस्टिक पर्पज है, इस ये इसके वेरियस यूजेस हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इसलिए कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है। टेक्निक्स इसकी अगर हम देखें तो रूफ टॉप हार्वेस्टिंग यानी कि रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है रूफ टॉप से और डायरेक्टिंग इट टू स्टोरेज टैंक्स। ठीक है, फिर इसको स्टोरेज टैंक्स के अंदर जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है। सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग तो कैप्चर और स्टोर करना रन ऑफ सर्फिसज से लाइक रोड्स हैं या फील्ड्स हैं, पॉन्ड्स हैं या रिजर्वेज हैं। उसके बाद आता है कि रिचार्ज पिट्स, तो डायरेक्टिंग रेन वाटर टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर एक्वाफर्ड। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, वाटर कंजर्वेशन है, रिड्यूस करना डिपेंडेंस को जो कि ग्राउंड वाटर के ऊपर यानी कि डिपेंडेंस है। और इसके अलावा सरफेस वाटर सोर्सेज है और इसके अलावा इम्प्रूव वाटर अवेलेबिलिटी है कि रिलायबल वाटर सप्लाई को जो प्रोवाइड करते हैं ड्राई पीरियड्स के दौरान। इसके अलावा रिड्यूस फ्लडिंग और एरोजन के डिक्रीज करते हैं सर्फेस रन ऑफ को और मिटिगेट फ्लड रिस्क और सॉइल एरोजन। इस तरह से अगर हम इसकी एप्लीकेशन देखें तो एग्रीकल्चर इरीगेशन है, इनके प्रोवाइड करते हैं सप्लीमेंट्री इरीगेशन टू क्रॉप्स को ड्यूरिंग ड्राई स्पेल। इस तरह से डोमेस्टिक यूज अगर हम इसके देखें तो ये वाटर सप्लाई करते हैं हाउस होल्ड नीड्स के लिए जो कि रिड्यूस कर देती है बर्डन को जो कि ये म्यूनिसिपल वाटर सिस्टम्स के ऊपर होता है। इस तरह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज इनहेंस करते हैं ग्राउंड वाटर को लेवल्स को थ्रू आर्टिफिशियल रिचार्ज टेक्निक्स। तो लास्ट पॉइंट हम इसका देखते हैं ग्रेन स्टोरेज और प्रिजर्वेशन का। इसकी अगर हम इम्पोर्टेंस देखें तो जो प्रॉपर ग्रेन स्टोरेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेन करने के लिए क्वालिटी को और प्रिवेंट करने के लिए लॉसेस से और इंश्योर करने के लिए फूड सिक्योरिटी को। चैलेंजेस हम देखें तो पेस्ट इन्फेस्टेशन रहते हैं, इसमें इंसेक्ट और रोडेंट्स हैं जो कि डैमेज कर सकते हैं स्टोर्ड ग्रेन्स को। मॉइस्चर कंट्रोल, तो अगर हम इसका देखें तो एक्सेसिव जो है मॉइस्चर वो मोल्ड और स्पलिज की जो है वजह बन सकता है। इस तरह से जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस हैं के एक्सट्रीम टेम्परेचर जो है वो हार्म कर सकते हैं ग्रेन क्वालिटी को। नेक्स्ट हम इसके अगर मेथड्स देखते हैं तो जिसके अंदर हर्मेटिक स्टोरेज आता है, इसमें एयर टाइट कंटेनर्स को यूज़ किया जाता है ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पेस्ट और मॉइस्चर में।
नेक्स्ट इसका टेम्परेचर कंट्रोल, स्टोरेज एरियाज को ऑप्टिमल टेम्परेचर के ऊपर रखा जाता है। फिर है केमिकल ट्रीटमेंट, सेफ पेस्टिसाइड जो या फिर फमीगेंट्स जो है वो पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं जिसमें सब्सटेंसेस लाइक डाई ऑटोमेशियस अर्थ या फिर नीम लीव्स हैं जो कि डिटर करते हैं इंसेक्ट्स को। इस तरह से अगर हम इसके बेनिफिट्स देखते हैं तो ये रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में इनके प्रोटेक्ट करते हैं ग्रेन की क्वालिटी को, क्वान्टिटी को। इस तरह से इंश्योर फूड सिक्योरिटी, फूड की सिक्योरिटी को भी इंश्योर करते हैं और उसकी स्टेबल सप्लाई ग्रेन को इंश्योर करते हैं। इस तरह से इकोनॉमिक गेंस अगर हम इसके देखते हैं तो मिनिमाइज करते हैं ये लॉसेस को और मैक्सिमाइज करते हैं प्रॉफिट्स को फार्मर्स के लिए। सो जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का यूज है एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक के अंदर की मैनेजमेंट में वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्टिविटी को, इसके अलावा फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो अंडरस्टैंडिंग और इम्प्लीमेंटिंग जो है इन प्रैक्टिसेस की वो लेकर जा सकते हैं मोर रेजिलिएंट की तरफ और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम्स की तरफ। सो जिस तरह के जो सिस्टम्स हैं जो एकदम आते हैं तो ये फार्मर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, इस तरह से ब्राइडर कम्युनिटी के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं। सो आज हमने जो है एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री का सीएसएस पास पेपर 2016 है उसको डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम अपने जो बाकी जो पास पेपर्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे।